स्वागत है आप सबका सीपीएल के अंदर। ये क्वालिफायर वन का मुकाबला है गयाना अमेज़न वॉरियर्स बनाम ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के बीच में, जो खेला जाएगा प्रोविडेंस स्टेडियम गयाना के ऊपर। मैच टाइमिंग है सुबह के 4:30 बजे। तो फिर से आपको एक हाई क्वालिटी गेम देखने को मिलेगा। इस टूर्नामेंट की दो सबसे बेस्ट टीम्स आपको इस मैच के अंदर कम्पीट करते हुए दिखेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ रोड टू द फाइनल किस तरह से तय करी जा रही है। तो आप देखो यहाँ पर जो ये क्वालिफायर वन है कौन खेलता है, जो टीम पॉइंट्स टेबल के ऊपर टॉप टू के अंदर फिनिश करती है क्वालिफायर वन खेलती है। और क्वालिफायर वन खेलने का फायदा क्या होता है, क्वालिफायर वन के अंदर जो टीम जीतती है वो सीधा फाइनल खेलेगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो टीम हारेगी उसको यहाँ पर एक और मौका मिलता है अपनी गलती सुधारने का। आज ही रिसेंटली मैच हुआ था किसका, सेंट लूसिया किंग्स का और जमैका थलावास का, एलिमिनेटर का मैच था। उसके अंदर क्या हुआ, जमैका थलावास जीत जाती है वन साइडेडली। तो अब देखो जो ये मैच अभी अपन कवर कर रहे हैं गयाना और ट्रिनबागो नाइट राइडर्स का क्वालिफायर वन, जिसमें हारता है वो खेलेगा जमैका थलावास से 23 सितंबर को, परसों के दिन। तो देखते हैं इस क्लैश के अंदर क्या होगा, बहुत ही शानदार मैचेस आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो प्लेऑफ के मैचेस होते हैं ये भाई साहब बहुत ही हाउसफुल मैचेस होते हैं और क्राउड बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है अपनी होम टीम को। इस मैच में गयाना अमेज़न वॉरियर्स होम टीम है। अब देखो इस वीडियो के अंदर आपको टोटल कितनी स्लाइड्स देखने को मिलती है, टोटल 98 स्लाइड्स है, जो आपको हेल्प करेगी बेस्ट फैंटेसी टीम बनाने के अंदर। तो आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। मेरा काम क्या है, बेस्ट कंटेंट आपको लाके देना। ये पॉइंट्स टेबल आप देख सकते हो, गयाना इस साल अनबीटेबल टीम थी, 10 में से सिर्फ एक मैच हारी है, 8 मैचेस जीती है, 1 मैच नोट रिजल्ट गया है। टीआर की बात करें 10 में से 6 मैचेस जीता है, 3 हारी है, 1 मैच इस टीम का नोट रिजल्ट गया है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और इवन आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल भी अपन ने बना लिया है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया, और जो आपको कंफर्टेबल लगे दोनों जगह आपको अपडेट मिलेगी, बट टेलीग्राम पे सबसे पहले अपडेट आपको मिलती है फिर व्हाट्सएप पे मिलती है। तो ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। प्रोविडेंस स्टेडियम गयाना के ऊपर मैच है, इस वेन्यू के ऊपर आज ही एलिमिनेटर का मैच हुआ था, सेंट लूसिया किंग्स और जमैका थलावास का गेम था। क्या होता उस मैच के अंदर, सेंट लूसिया किंग्स आती है पहले बैटिंग करने, जमैका थलावास टॉस जीतती है, पहले गेंदबाजी का फैसला करती है, सेंट लूसिया किंग्स 125 बना पाती है 9 विकेट गवा के। इस पिच के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पिन देखने को मिला था, बॉल फंस के आ रही थी, रुक के आ रही थी, स्पिनर्स की बॉल यहाँ पे ग्रिप कर रही थी। फिर देखो जमैका थलावास चेस करने आती है, 17.2 ओवर्स के अंदर टारगेट चेस कर जाती है, मतलब करीबन 16 बॉल रहते और 5 विकेट से जीत दर्ज कर लेती है। इससे पहले यहाँ पर एक और मैच हुआ था गयाना अमेज़न वॉरियर्स और बारबाडोस रॉयल्स का, जिसके अंदर गयाना की तरफ से शायुब का शतक आया था, 226 बनाए थे गयाना की टीम ने, और यहाँ पे बारबाडोस रॉयल्स 138 पे 6 विकेट गवा के टारगेट चेस नहीं कर पाती है। 201 बना, इसके अंदर एलेक्स हिल्स का शतक आया था जमैका थलावास के लिए। और फिर जो टीम चेस करने आती है वो सेंट लूसिया की टीम, 79 रन पे सिमट जाती है। तो यहाँ पे रन्स बन रहे हैं, नाइट गेम्स के अंदर आपको औसतन स्कोर 180 तो देखने को मिलता है, बट लास्ट मैच के अंदर पिच स्लो थी और सेंट लूसिया किंग्स की टीम बहुत खराब प्रदर्शन दे रही थी रिसेंटली। अब देखें गयाना अमेज़न वॉरियर्स इस वेन्यू के ऊपर 39 मैचेस खेली है, 27 मैचेस जीती है। और अपन देखते हैं टीकेआर 12 मैचेस खेली है, 3 मैच जीती है मात्र, बैटिंग फर्स्ट 10 मैचेस जीते गए, चेस करते हुए यहाँ पे 9 मैचेस जीता गया। गयाना का होम ग्राउंड है, पूरी जो जनता मैच देखने है कि गयाना कोई सपोर्ट करने वाली है, प्रति ओवर 8.5 के आसपास रन बनता है। जो लास्ट मैच यहाँ पे खेला गया था उसमें 6 विकेट पेसर का था, 8 विकेट यहाँ पे स्पिनर्स निकला था, स्पिन हो रही थी बॉल यहाँ पे लास्ट मैच के अंदर। विकेट कॉलम लास्ट 13 गेम्स के अंदर पेसर्स ने 75 विकेट निकाला, पहली पारी में 37, दूसरी पारी के अंदर 38, राइट आर्म पेसर 59, लेफ्ट आर्म पेसर्स का यहाँ पे 16 विकेट्स है। स्पिनर्स की बात है 76 विकेट है, 76, पहली पारी में 35, दूसरी पारी के अंदर 41, ऑफ स्पिनर्स का 22 विकेट है, लेग स्पिनर्स का 15, चाइनामैन का 3, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स आर द की 36 विकेट्स हैं यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ आज के मैच की पिच की फोटो, ये देखो आप जिस पिच पे एलिमिनेटर का मैच हुआ था ऐसी पिच थी, बॉल यहाँ पे ग्रिप कर रही थी, आप खुद देखें पिच पे आपको हल्का सा स्टिकीपन दिखेगा, आप ध्यान से देखते हो कई जगह पिच पे ग्रास बनी हुई है, केप टाउन की तरह देखो ऐसा 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 शेप बना हुआ है पिच के ऊपर, मतलब इसके क्रैक्स धीरे धीरे खुलने लग गए थे। और स्पिनर्स आते हैं और आपने देखा होगा कितना टर्न देखने को मिला था फैबियन एलन को, ये आप देख सकते हैं पिच ऐसी पिच दिखती है। और जो स्पिनर्स धीमा डालते हैं, फैबियन एलन ने क्या किया था, पहली 2 बॉल बहुत तेज डाली, फिर वो समझ गया मेरे को बॉल को थोड़ा धीमा डालना चाहिए, उसने बॉल को धीमा डाला और इतना इतना टर्न देखने को मिला था। 10 स्पिनर जो धीमा डालते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस गेम के अंदर। और जो आज मैच हुआ था उसकी बाउंड्री डायमेंशन देखते हैं,
64 मीटर स्क्वायर थी, 73 मीटर्स था। एक साइड की तरफ मैच खेला गया था, स्कोरबोर्ड के क्लोज की तरफ ये पिच थी और सामने की बाउंड्री 77 मीटर्स थी। आमतौर पर जब बीच वाली पिच पे मैच होता है 71-69 मीटर्स की स्क्वायर बाउंड्रीज होती है 78 सामने। इस स्टेडियम का व्यू या आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा स्टेडियम है। बारिश के चांसेस लगभग ना के बराबर है और दोनों टीम्स ने आपस में 27 मैचेस खेला। गायना 14 जीती है, ट्रिनबागो 13 जीती है, नो रिजल्ट एक भी नहीं गया है दोनों टीम्स के बीच में। सैम आयुब ओपन करेगा, कमाल का बैटर है ऑर्डन स्मिथ के साथ। शायुब वन डाउन है, आजम खान कीपिंग करें, ग्लव्स इनके हाथ में है, शिमरन नेटमायर, केवलॉन एंडरसन खेलता आपको दिख सकता है, कीमा पॉल, रोमेरो शेफर्ड, ड्वेन पिटोरेस, बुद्धिगेश मोटी, इमरान ताहिर, ये इस टीम की 11 होने वाली है। चार रेगुलर बॉलर्स नीचे आपको दिख जाते हैं और पांचवें बॉलर ऑर्डन स्मिथ होंगे, छठवें बॉलर यहाँ पे कीमा पॉल होने वाले हैं। ट्रिनबागो मार्टिन गप्तिल मार्कडाल ओपन करेगा, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन है। निकोलस पूरन वन डाउन है, केसी गाटी टू डाउन आएगा, पिछले गेम में बहुत अच्छी पारी थी इसी टीम के अगेंस्ट। पोलार्ड फिर आते हैं, रसल, नारायण, अकील, वकार, सलाम खेल, अली खान, जैडन जिल्स। समित पटेल को जगह नहीं मिलेगी क्योंकि इतने सारे स्पिनर्स टीम में नहीं खेल सकते। वकार, सलाम अकील, अकील हुसैन, सुनील नारायण, फिर आप समित पटेल को खिला रहे हो तो चार चार स्पिनर्स हो जाएंगे। विकेट स्पिन रहा तो आपको समित पटेल खेलता हुआ दिख सकता है, आप उसी से समझ जाना विकेट पे टर्न होगा, समित पटेल भी खेलता है तो। अब देखो टीम्स पावर प्ले के अंदर कैसा बैटिंग करती है। गयाना 10 मैचेस खेल के पावर प्ले के अंदर 15 विकेट गवाई है और इन्होंने 447 रन्स बनाए। ट्रिनबागो 10 मैचेस के अंदर 15 विकेट गवाई है और 27 की औसत है, 410 रन्स इन्होंने बनाए। दोनों टीम अच्छा खेलती है पावर प्ले के अंदर। मिडल फेस में गयाना इज द बेस्ट टीम रन्स के मामले में, 140 का स्ट्राइक रेट है, कोई इनके आसपास ही नहीं है, किसी का 130 प्लस ही स्ट्राइक रेट नहीं, इनका 141 का है। 9 मैचेस के अंदर मिडल फेस मतलब ओवर 7 से 15 के बीच में 16 विकेट गवाया है और ट्रिनबागो ने 9 मैच में 20 विकेट्स गवाए। डेथ ओवर की बात करें, डेथ ओवर के अंदर गयाना थोड़ी सी दिक्कत में आती है, 9 मैचेस के अंदर 23 विकेट गवाए इन्होंने, ट्रिनबागो ने 8 मैच में 21 विकेट गवाए। बॉलिंग डिपार्टमेंट देखते हैं तो गयाना की टीम पावर प्ले में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर लेती है, 9 मैचेस में 20 विकेट निकाला है, हर 16 बॉल में इनको पावर प्ले में एक विकेट मिलता है। ट्रिनबागो हर 30 बॉल में एक विकेट निकाल पाती है पावर प्ले के अंदर, 9 मैचेस में सिर्फ 11 विकेट्स हैं। पावर प्ले के अंदर ट्रिनबागो खराब बॉलिंग करती है। मिडिल फेस मतलब ओवर 7 से 15 के बीच में टीकेआर मैच को वहीं कंट्रोल करती है, अपनी मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करती है, 9 मैचेस में 26 विकेट निकाल चुकी है क्योंकि इनके पास मिडिल फेस में सुनील नारायण होता है, रसल बॉलिंग करने आता है, वकार सलाम में खेल आता है, अली खान बॉलिंग करने आता है, वहां पे 18 बॉल में इनको हर बार विकेट मिलता है मिडिल फेस के अंदर। गयाना 9 मैचेस में 22, हर 22 बॉल में इनको एक विकेट मिलता है। डेथ ओवर के अंदर गयाना ने 9 मैच में 26 विकेट निकाला है, ट्रिनबागो ने 8 मैच में 16 विकेट निकाले हैं। प्लेयर के स्टैट्स देखते हैं चलो। सैम आयुब 2 मैचेस के अंदर 99 रन्स है, 62-37 चेस के ऊपर गया था उसने, वेन्यू के ऊपर 4 मैच में 154 रन्स है, कमाल का क्रिकेटर है। बैटिंग फर्स्ट करते हुए यहाँ पे फंसा है, 16-16 किया है और बैटिंग सेकंड के अंदर 85-37 किया है इसने। ऑर्डेंस में आजकल ओपन कर रहा है और बॉलिंग भी कर रहा है, पिछले गेम में 3 ओवर डाला था तो फिर से आपको इसकी इंपॉर्टेंस दिखेगी, विद द बैट विद द बॉल लेके चलिएगा, यही कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा। शायुब 10 मैचेस में 279 रन्स है, कमाल का क्रिकेटर है। लास्ट वीडियो में मैं दिल से बात कर रहा था इस प्लेयर के बारे में, ये जो बंदा है इसने क्या डिकोड किया T20 फॉर्मेट को, भाई मैंने क्या कह दिया इस भाई के बारे में, ऐसा शतक बना के जाता है लास्ट गेम के अंदर, 106 रन की पारी। हेड टू हेड के अंदर नंबर्स ठीक है, ठीक है, और वेन्यू के ऊपर 12 मैचेस में 519 रन से 53 की एवरेज है, कमाल का क्रिकेटर है भाई साहब ये। शाई होप, रिमेंबर द नेम, IPL के अंदर आ सकता है, रिसेंट जो फॉर्म है इस बंदे का कमाल का रहा है। शिमरन नेटमायर 14 मैचेस में 409 रन है, 128 का स्ट्राइक रेट है, 32 की औसत है और ये सीजन का खराब गया है, सीरियसली कहूँ मैं। फॉर्म देखो 16-2-19-9-24-13, उससे पहले फॉर्म ठीक था इसका। इस वेन्यू के ऊपर 30 मैच में 601 रन है, 27 की औसत है। आजम खान का 6 मैचेस में 106 रन है, इनका ठीक ठाक फॉर्म रहा है इस सीजन में, कई मैचेस में फ्लॉप हुए हैं, ज़्यादातर एक आध दो मैच में अच्छी पारियाँ खेली इसने। वेन्यू के ऊपर 8 मैच में 249 रन है, इस वेन्यू को पसंद करता है आमतौर पर ये, लास्ट गेम में भी अच्छा खेला था TKR के अगेंस्ट, 2 छक्के मारे थे। केवलॉन एंडरसन 47 लास्ट गेम में किया था, अच्छे टच के अंदर था। ड्वेन पिटोरेस का 3 मैच में 1 विकेट, एटवुड में बॉलिंग 2 ही इनिंग्स में करी है, 1 विकेट निकाला है बॉलिंग फर्स्ट। वेन्यू के ऊपर 4 मैचेस के अंदर 4 विकेटें हैं, 11 रन विद द बैट है, 60-70 पॉइंट आपको दे सकता है इजिली ये। कीमा पॉल 12 मैचेस में 81 रन है, 6 विकेटें हैं बॉलिंग करते हुए, और इनको इंजरी भी थी इस वजह से लास्ट मैच नहीं खेला था, इस गेम में फिटनेस टेस्ट पास करेंगे। 22 मैचेस में वेन्यू के ऊपर 182 रन, 12 विकेटें हैं।
शेफर्ड का 12 मैच में 16 विकटे, बल्ले से 117 रन है, बॉलिंग फर्स्ट में कैप्टनसी ऑप्शन है, टॉप 6 मैचेस में 11 विकटे हैं, बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड के अंदर 6 मैच में 5 विकेट है, 4 बार विकेट लेस गया है। इस मैदान पे 21 मैच में 24 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 11 मैच में 14 विकटे हैं। बॉलिंग फर्स्ट में शेफर्ड को टीम में तो आप रखोगे मैं जानता हूं, बट कैप्टन भी कर सकते हो सीधा। मोटी इस टीम के अगेंस्ट बहुत मार खाता है, 3 मैचेस में 1 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 2 मैच में 0, बॉलिंग सेकंड 1 में 1। और कई दफ़ा ये हुआ है मोटी अपना इस टीम के अगेंस्ट स्पेल पूरा ही नहीं करा पाता। रीज़न क्या है, सामने रसल होते हैं, पोलार्ड होते हैं, बहुत बुरा मारते हैं वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स को। रनिंग के ऊपर 10 मैच में 6 विकेट हैं, वन साइडेड गेम हो गया तो आपको 3-4 विकेट खोलता हुआ दिख सकता है, अगर क्लोज गेम जाता है तो मोटी आई थिंक मार खा सकता है इस गेम के अंदर। लास्ट टाइम भी ये हुआ था, इमरान ताहिर 14 में 17 विकेट हैं, स्पेशल क्रिकेटर है ये, 40 प्लस है, 43 का आई थिंक इमरान ताहिर। सेलिब्रेशन देखो भाई रोनाल्डो का, 18 मैचेस में 25 विकेट्स है वेन्यू के ऊपर। सिंगलर का 3 मैच में 2 विकेट्स, वेन्यू के ऊपर 7 मैच में 3 विकेट्स है। शमार चंद्रपॉल पिछले गेम में क्या होता, प्यूटर्स ने पहला तीसरा डाला था, बिटॉन ने दूसरा चौथा 16वां 19वां, शमार जोसेफ 5वां 7वां 12वां 14वां, मोटी का 6वां 8वां 10वां 13वां, ताहिर का 9वां 11वां 15वां 17वां। ताहिर जी हाँ डेथ में बॉलिंग करता आजकल, ये याद रखना है। और डिन स्मिथ का लास्ट गेम के अंदर 18वां 20वां ओवर था बारबाडोस के अगेंस्ट। मार्टिन गप्तिल 6 मैचेस में 68 रन है, बैटिंग फर्स्ट 34-10-0-8-15-1 इस टीम के अगेंस्ट रन नहीं करे हैं। लेट्स सी, वेन्यू के ऊपर 18 मैच में 330 रन है, फॉर्म 1-16-53-38-15-15 शतक, अच्छा बॉलिंग अटैक है सामने अगर आप देखते हो, लास्ट टाइम रन आउट हो गया था इस टीम के अगेंस्ट। मार्क दयाल 8 मैचेस में 90 रन है, 5 विकेट्स हैं, लास्ट टाइम 37 गया था इस टीम के अगेंस्ट। वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 46 रन और 3 विकेट है, पार्ट टाइम ऑफ स्पिन डालता ही आके। पूरन 14 मैच में 272 रन है, बैटिंग फर्स्ट 3-14-37-3-9-0-45-9-16-15-18, स्पेशल कैप्टन है इस गेम के अंदर। इस वेन्यू के ऊपर 19 मैचेस में 519 रन है, जो शाही ओप ने सिर्फ और सिर्फ 12 इनिंग्स में बनाए इतने रन जितने पूरन ने 19 इनिंग्स में बनाए। चेस के ऊपर पूरन इस वेन्यू के ऊपर बहुत डेंजरस है, बैटिंग फर्स्ट में थोड़ा सा ठंडा हो जाता है यहाँ पर। केसी गाटी 83 रन है एटवुड के अंदर बैटिंग फर्स्ट करते हुए, वेन्यू के ऊपर 89 रन है 3 मैचेस के अंदर, 5 बैट फर्स्ट 18 बैट फर्स्ट 1 रन चेस के ऊपर है। टच प्लेयर है पोली भाई, 21 मैच में 372 रन है, 20 की औसत है, 134 का स्ट्राइक रेट है। लेट्स सी क्या करेगा इस गेम के अंदर। वेन्यू के ऊपर 14 मैच में 234 रन है, रेशन फॉर्म खराब है पोली का, 9 रन बैटिंग नहीं आई, 6 रन 2 रन 25 रन इस तरह से फॉर्म रहा है इसका। रसल अच्छे फॉर्म में, 20 मैचेस के अंदर 370 रन है, एटवुड के अंदर 19 विकेटें हैं, बॉलिंग फर्स्ट 12 मैच में 13, बॉलिंग सेकंड 6 मैच में 6 विकेट है, 6 बार विकेटलेस भी गया है एटवुड के अंदर। वेन्यू के ऊपर 9 मैच में सिर्फ 1 विकेट है और 111 रन विद द बैट है। अखिल हुसैन की बात करें, 13 मैचेस के अंदर 10 विकेट्स है एटवुड के अंदर, 104 रन विद द बैट है, और ये टीम अखिल हुसैन को भेजती है टैकल करने के लिए बुद्धेश मोटी और इमरान ताहिर को, क्योंकि वो दोनों राइटी बैटर से बॉल को दूर लेके जाते हैं, अखिल हुसैन की बॉल अंदर आती है ऑफ स्पिनर की तरह, राइटी बैटर को जैसा होता है अखिल हुसैन के लिए, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर और लेग स्पिन, तो उसको टैकल करेंगे, अखिल हुसैन को प्रमोशन मिल सकता है बैटिंग में, 4 ओवर पूरे करके देगा, टॉप ऑप्शन है टीम के अंदर रखने का। वेन्यू के ऊपर ठंडा रहा है, 12 मैचेस में सिर्फ 5 विकेट है। नारायण का 14 मैच में 21 विकेट हैं, बहुत अच्छे नंबर्स है, वेन्यू के ऊपर 16 मैच में 21 विकेट्स हैं। अली खान का 8 मैच में 9 विकेट है, डेप्थ में बॉलिंग करने आता है और वहाँ पे इसको विकेट मिलने चाहिए क्योंकि गायना की टीम डेप्थ में विकेट्स गवाती है। वखार सलमाई खेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, सेल्स का 4 में 3 विकेट्स हैं, समित पटेल के आप देख लें। ब्रावो भी आ सकता है मूड हुआ तो कभी भी। स्टार्टिंग ओवर देखो कहाँ गया, स्टार्टिंग ओवर यहाँ पे आई थिंक स्लाइड मिस हुई, मैं आपको डिक्टेट करके बता देता हूँ। अखिल हुसैन ने पिछले मैच के अंदर पहला 7वां 9वां और 16वां ओवर डाला था, ठीक है, हर गेम में वो यही करता है, पावर प्ले में 1 या 2 तो डालता ही है, तो इस चीज आपको ध्यान रखनी है। जैडन सिल्स ने 2वां 4वां 15वां डाला, टेरेंस हिंट्स लास्ट गेम खेला था 3रा 5वां 11वां 13वां, मार्क दयाल का 6वां 14वां था, समित पटेल का 8वां 10वां 12वां 17वां, वॉल्टन 18वां ओवर डाल के गया था, कडी मेलन का 19वां था। वैसे नारायण जब लास्ट टाइम खेले थे तो 6वां 10वां 14वां 16वां डाला था, वकार असलम के जब लास्ट टाइम खेला था 9वां 11वां 13वां 15वां, अली खान लास्ट टाइम खेला था तो 12वां 18वां 20वां डाला, रसल ने 17वां 19वां डाला था। रसल यही काम करता है आईपीएल के अंदर भी, डेथ ओवर में आके बॉलिंग करके जाता है। सैम आयर को कोई खास मैचअप नहीं है, अपन देखते हैं शाही होप की, तो शाही होप वर्सेस अली खान 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया 21 बॉल में 21 रन देके, ब्रावो ने 17 बॉल में 23 रन देके 5 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है,
अखिल हुसैन ने 6 इनिंग्स में दोबारा आउट किया है, 39 ओवर में 32 रन दे गए। आजम खान कोई खास मैचअप नहीं है। सिमरन एटमायर की बात करें, अगेंस्ट मार्क दिया लास्ट गेम में फंसा था, कवर्स पे कैच दे दिया था, 34 ओवर में 45 रन 5 इनिंग्स में एक बार आउट किया है। ब्रावो ने 11 में 3 बार आउट किया, कोई खास मैचअप नहीं है, बट हेटमायर की आदत हुई है विकेट फेंकने की। कीमा पॉल आप देख सकते हैं, शेफर्ड अगेंस्ट रसल 6 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 30 बॉल में 70 रन मारे हैं भाई को, अच्छा खासा पहला ऐसा लग रहा है। ऑर्डन स्मिथ वर्सेस नारायण 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 12 बॉल में 11 रन दे के। अब देखते हैं मार्टिन गप्तिल को, इमरान ताहिर के सामने 8 इनिंग्स में 2 बार आउट पर 104 बॉल में 131 रन, अच्छा खासा मारा उसको, कोई खास मैचअप नहीं है। वैसे मार्टिन गप्तिल का अच्छा प्लेयर है, ट्राई किया जा सकता है, स्मॉल लीग के अंदर मना नहीं करूंगा मैं, फॉर्म हमेशा इसका कंसर्न रहता है, बट ये मुड़ी प्लेयर है, कुछ ना कुछ करके रन बना जाता है आजकल, मैंने देखा है मार्टिन गप्तिल को, कहीं गैप में बॉल ढकेल देगा, कहीं ऊपर से चौका मार देगा, एक आध दो रन बनते रहते हैं उसके। मार्क दियाल अगेंस्ट रोमेरो शेफर्ड 6 इनिंग्स में 2 बार आउट हुआ है, 22 बॉल के अंदर 27 रन है। लास्ट मैच में कीमा पॉल ने इसको कॉट बिहाइंड किया था, 5 बॉल में 10 रन देंगे। लॉकन टकर मौजूद नहीं है। निकोलस पूरन कोई खास मैचअप नहीं है, अलग प्लेयर है ये। पॉली बाई का देखे तो रमेश शेफर्ड 6 इनिंग्स में 3 बार आउट कर चुका, लास्ट टाइम भी इसने LBW किया था उसको, 23 बॉल में 41 रन देंगे। रसल की बात करें, रसल अगेंस्ट इमरान ताहिर, दिस इज द बैटल टू वॉच आउट। जब भी KKR और CSK के मैचेस होते थे तो सब पहले जानते थे भाई गया रसल, 19 इनिंग्स में 8 बार आउट कर चुका है इमरान ताहिर, रसल को 81 बॉल में 92 रन देंगे। ऑर्डन स्मिथ 6 इनिंग्स में 3 बार आउट कर चुका है, 24 बॉल में 43 रन देंगे। नारायण का देख लें, अखिल हुसैन का भी ऐड करना चाहिए था वैसे, टिम डेविड भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है इसका, साइंड तो इसको किया था टीम ने बट पता नहीं कहाँ साउथ अफ्रीका के अंदर ये सीरीज खेलने लग गया, इंजरी रिप्लेसमेंट प्लेयर था मैक्सवेल का, ये टीम स्लैक्समैन को कैसा खेली है। ट्रेंट बाउल अगेंस्ट स्लैक्समैन 7 मैचेस में 8 विकेट गवाया है, गयाना 6 इनिंग्स में सिर्फ 1 विकेट गवाई है। लेफ्ट आर्म पेसर के सामने गयाना फिर से फंस रही है, लास्ट गेम में भी अगर आपने देखा हो अबर्ड मुखर्जी 2 विकेट निकाल गया था, गयाना की टीम अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर 6 मैचेस में 14 विकेट गवा चुकी है, बट सामने टीकर के पास कोई लेफ्ट आर्म पेसर नहीं है। TKR 6 मैचेस में 4 विकेट गवाई है। ऑफ स्पिनर्स की बात करें, TKR 7 मैच में 8 विकेट गवा चुकी है, गयाना 7 में 7। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स परेशान बिल्कुल नहीं करते, साइन अप कर सकते हो आप एक्सचेंज 22 के ऊपर, क्या फायदा है, नो GST यहाँ पर नहीं लगने वाली कोई भी GST, और यहाँ पर आपको प्लेयर्स को बाई सेल करना पड़ता है, अगर आपको एक प्लेयर लगता है चलेगा उसको बाई कर लो, एक प्लेयर आपको लगता है नहीं चलेगा उसको सेल कर दो, सिंपल सा लॉजिक है। अभी देखो इंडिया वर्सेस श्रीलंका का एशिया कप का फाइनल था, परेरा को मैंने सोल्ड किया, मेरे को पता था नहीं चलेगा, पतुम निशांका को सोल्ड किया, पतिराना को सोल्ड किया, केएल राहुल की बैटिंग नहीं आएगी मेरे को पता था, सोल्ड कर दिया मैंने। हार्दिक पंड्या वैसे गलत सोल्ड चला गया, वरना यहाँ पे 10,000 के ऊपर प्रॉफिट होता, प्रॉफिट वैसे 8,000 का हुआ था, वो भी कोई खराब चीज़ नहीं है, जितना मिले भाई साहब वही भगवान की दया है, मैं तो मान के चलता हूँ, 1400 रुपये का प्रॉफिट हुआ ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब क्या करो, यहाँ पर खेल के देखो, मैंने जिंदगी में इसमें 3 साल से खेलना चालू किया, मैंने 3 साल पहले खेलना चालू किया था, 26,000 रुपये मैंने डिपॉजिट किए थे और आज विनिंग 5 लाख के ऊपर हो चुकी है। तो आइए आप यहाँ पे खेल के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और बड़ी बात क्या है, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू साइनअप करते हो तब आपको यहाँ पे 1700 रुपये मिलेगा 1000 रुपये डिपॉजिट करने पे। कैसे, 500 रुपीज़ बोनस मिल जाता है, 200 रुपीज़ आपको रियल कैश मिल जाता है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, खेल के देखना, आपको मैं पिक्स दूंगा आपको कई गेम्स में, उसी में आप खेलो, आपको मजा आएगा खेलने में, इतना ही कहूँगा। कॉमन कैप्टन शेफर्ड है, रसल है, अलग जाना तो पूरन को ट्राई करना, ड्वेन पीटर्स को ट्राई करना, सैम आयुब और शायुब का कॉम्बिनेशन अलग ही है, दोनों जब भी बैटिंग करते हैं मैच को कब पलट के ले जाते हैं पता नहीं चलता। टीम्स की बात करें फटाफट भाई, चैनल पे न्यू पहले सब्सक्राइब कर लो, बहुत बुरा लगता है आप सब्सक्राइब नहीं करते, टीम्स की बात करते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे कैप्टन किया हुआ है रसल को, वाइस कैप्टन रोमेरो शेफर्ड, बट बड़ी बात क्या है, रसल आते हैं डेथ में बॉलिंग करने, वो 2 डेथ में डाल जाएंगे, वहाँ पे उनको विकेट्स मिल गए तो बात अलग है, नहीं मिले तो फिर आपके लिए दिक्कत आ सकती है। शायुब भी बहुत अच्छा कैप्टनसी ऑप्शन है पूरन के साथ, 2 कीपर्स को आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, दोनों बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हैं, जिनमें से कीपिंग सिर्फ पूरन ही करता है। शेफर्ड इंपॉर्टेंट ऑप्शन, बॉलिंग फर्स्ट में कैप्टन तक कर सकते हो। नारायण ड्वेन पीटर्स ऑर्डन स्मिथ इमरान ताहिर और अखिल हुसैन को मैंने बैक किया, मोटी को उस गेम में बैक नहीं कर रहा, रीजन बड़ा सिंपल है, सामने रसल होंगे पुल आउट होंगे, उनके सामने बॉलिंग करना इजी नहीं होता, निकोलस पूरन होगा उनके सामने बॉलिंग करना इजी नहीं होगा, और लास्ट टाइम जब हेड टू हुआ था तो गुदेश मोटी ने 2 डाला था सिर्फ, मेरे को भी याद हो मैच। शायुब इंपॉर्टेंट, पूरन इंपॉर्टेंट, आजम खान को ट्राई जरूर करना, अच्छा क्रिकेटर है, बड़े बड़े हिट्स मारता है, कीपिंग कर रहा है, वहाँ से पॉइंट्स आपको दे जाएगा बंदा, अच्छा प्लेयर है आजम खान, ट्राई करिएगा। हिटमैर रन्स नहीं कर रहा, फॉर्म कंसर्न है, आई भी इंपॉर्टेंट है भाई, क्या क्रिकेटर है, पाकिस्तान की टीम में होना चाहिए, सीरियसली कहूँ तो मैं। मार्टिन गप्तिल ट्राई किया जा सकता है, नंबर्स कोई ख़राब नहीं है, मैचेस भी इसका कोई खास नहीं है कि किसी ने आउट किया उसको। पॉली भाई
आपका कॉल है मार्क दयाल, ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को यहाँ से। कैसी काटी में भी क्लास है, पहले ही मैच में 114 पॉइंट दे गया था लास्ट गेम के अंदर। ऑलराउंडर देखें स्टेफर्ड रसल, ऑडेन सिर्फ अपनी बॉलिंग्स और बैटिंग की वजह से ओपन कर रहा है। नारायण और यहाँ से ड्रेंट पिटर्स, कीमो बॉल को लिया जा सकता, मना नहीं करूँगा मैं। इंजरी के बाद आ रहे हैं वो, और क्या पता है गेम खेले ना। इमरान ताहिर इंपॉर्टेंट, मेरे को अकेले उसमें इंपॉर्टेंट लगे। ट्राई किया जा सकता अली खान को बॉलिंग फर्स्ट के अंदर, अच्छा भी हो सकता है, देखते रहिए स्टैट्स। मिलते हैं टेलीग्राम के ऊपर, सी यू सून, लव यू, जय हिंद। और भाई साहब सब्सक्राइब कर लें चैनल को।